सो मित्रों भाई साथी रहते जाएंगे नहीं वैसे। Hey guys, hello, Nasir, welcome to you and hope you all are healthy and safe. So guys, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी सी चीज जिससे मेरी मेरी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। Yes, this is the place, सेफ्टी देवी स्कूल। यहाँ पे ही से ही मैंने अपनी 10th क्लास तक पढ़ाई की है गाइज। तो गाइज आज ये दिखाने का मौका इसलिए मिला है क्योंकि आज मैं आया हूँ अपने दोबारा से फैजन की घर, अपने मामा जी के घर आया हूँ। एंड आज ऑल ऑफ अ सडन प्लान बनाया है। सुबह 10 बजे तक मैं अपने घर पर बैठा हुआ था एंड सब सफाई कर रहा था यार। आज सैटरडे है, छुट्टी है तो थोड़ी बहुत साफ सफाई कर रहा था। एंड ऑल ऑफ अ सडन प्लान ये है दैट भाई का फ़ोन आया एंड ही सेड कि ही इज़ गोइंग टू चंडीगढ़, ही हैव सम वर्क देयर। तो मैंने कहा यार मैं भी घर पे ही हुआ, छुट्टी है तो अगर थोड़ी सी जगह मेरे लिए भी हो जाएगी गाड़ी में तो दैट वुड बी ग्रेट। तो भाई ने बोला ठीक है यार कोई बात नहीं, जगह क्यों नहीं होगी, जगह बना देंगे। तो भाई ने बना दी है थोड़ी सी जगह मेरे लिए भी। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे आ गया हूँ। तो अब बस करते हैं थोड़ी देर में सफ़र शुरू। लंच वंच सब हो गया है एंड अब हम निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए। वहाँ से बताते हैं आपको आगे आगे क्या क्या होगा, रास्ते में दिखाता हूँ अपनी जर्नी। और ये जर्नी होने वाली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड गाइस, देखते हैं। तो गाइस यार मैं घर से तो टाइमली निकल गया था लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया। मौसम में फाइनल आया था 2 बजे तक सारे घर पहुँचा जाए एंड उसके बाद हम निकल जाना था हमें 2 बजे तक जाप। बट यहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि यार सिर्फ मैं ही लेट नहीं हो गया ना, जे जी लेट आया थोड़ा सा एंड वो थोड़ा सा और टाइम ले गया। तो भाई और तो रेडी हैं, मैं भी पहुँच गया था आधे घंटे पहले। अब मैं जे जी रिसीव करने आया हूँ, जे जी मेट्रो से आ रहे हैं। जे जी को लेता हूँ फिर जैसे। तो भाई जे जी लहराते हुए आ रहे धीरे धीरे जो बहुत ज़्यादा लेट है। और अब आगे मिलते हैं। हेलो गाइस, मिस्टर सुंदर सिंह कोहली क्या कहते हैं ऐसे कहते हैं। आई एम सुंदर सिंह कोहली फ्रॉम ग्राम घंडियाल कुमारखोला। सो मित्रों कर दी है हमने अपनी यात्रा शुरू टू चंडीगढ़ एंड साथ में हैं जीजा जी, मैं, मामा जी भी हैं एंड अमित। और भाई साहब चला रहे हैं गाड़ी और भाई साहब तो बहुत थोड़े से नाराज हो गए यार क्योंकि हम लेट आए थे। 2 बजे का हमने प्लान किया था निकलने का लेकिन चलो कोई बात नहीं, भाई साहब से हमने माफ़ी मांग ली है। अब देखते हैं क्या होता है, सजा मिलेगी इसकी, पार्टी देनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल पार्टी देंगे। और जीजा जी ज्यादा लेट आ रहा है वो जरा तो करते हैं शुरू एंड चलते हैं आगे। कुटी राड़ी के कुटी राड़ी के बाबा कुटी राड़ी के भाई साहब लगे हुए हैं गाड़ी चलाने में। बहुत ट्रैफिक है बहुत ज्यादा, चंडीगढ़ का सफर थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा आज तो। मामा जी को गानों का इंटरेस्ट पता क्यों नहीं है, ये रीजन लूडो चल रहा है लूडो। तो मित्रों हम पिछले आधे घंटे से फ्रॉम लास्ट बार तो यार पिछले आधे घंटे से हम जाम में फंसे हुए हैं और 2 किलोमीटर ही हमने ट्रैवल किया हुआ जब से, और अगले 10-15 मिनट और जाम में रहेंगे अभी। अभी थोड़ा गूगल मैप और अभी थोड़ी सी गाड़ी हिली है बस थोड़ी सी, अदरवाइज ये देख लो जी जा देख लीजिए रोड कर लिए काम हम चल रहा है। अमित अमित के लिए हमने रोड बनवा दिया है ताकि आने वाले टाइम में अमित को दिक्कत ना हो आने में। बिल्कुल अमित का एक्चुअली काम पूरा जाना चाहिए आगे क्योंकि एक्चुअली अमित का फेवरेट ये रूट है एक्चुअली, पता नहीं चंडीगढ़ से ज़्यादा ही प्यार है उसको, आई डोंट नो व्हाई। और पता नहीं जी क्यों इतना प्यार करता है चंडीगढ़ से, अब ये तो हमें पता नहीं है। चलो ठीक है, तो हम जहाँ भी हमें हमारा मतलब जब भी प्लान बनता है जाने का तो कहीं वो प्लान चेंज हो जाता है चंडीगढ़ के लिए। आज जैसे भी हम हिमाचल जाने के लिए बोल रहा था भाई को, मैंने बोला था हिमाचल थे लेकिन भाई अमित ने चंडीगढ़ वाले भाई यार हिमाचल जाने वाले थे क्या हुआ चंडीगढ़ चल लेते हैं। बाकी हिमाचल देखते रहेंगे यार, अभी तो चल रहा है जैसे वैसे। हिमाचल में गर्मी बहुत है, हिमाचल में गर्मी ज्यादा है, चंडीगढ़ ठीक है। चलो चंडीगढ़ में बर्फ पड़ रही है, अच्छा चल रहा है स्नोफॉल। और एक्चुअली यार जी जी ये थोड़ा ये ट्रैफिक और जो है ना ये अमित को थोड़ा पसंद भी ज्यादा है ना, हिमाचल की खूबसूरती है ये ट्रैफिक है, ये अपनापन एक एहसास इंडिया का जो है वो। तो इस वजह से तो अच्छा ये भी हो सकता है रीजन अमित ये पसंदीदा जगह होने का। देखिए ये देखो यार कितना लंबा जाम है अभी तक, बहुत दूर तक है।
छह किलोमीटर आगे और छह किलोमीटर पीछे लेफ्ट और राइट ये हमारी जमीन है सारी, और ये इसका अभी हम देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, फुली एक्सप्लेन को शायद बेचने की बात चल रही है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अभी हम चंडीगढ़ खरीदने जा रहे हैं भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। सो गाइस मूरथल पहुंच गए, मैं एक ये हवाई अड्डा मूरथल है, मेरा भी द्वारा उठा दे रहा है, बोल रहे की आने वाला लेकिन अभी भी 2 घंटे और लगेंगे अभी, तो आई थिंक 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। जी जी भी सो गए। सो फ्रेंड्स इट्स 8 o'clock और 8 बज गए, पहला ब्रेक अब लिया है यार, 4 बजे से लेके 4 घंटे हो गए हैं, अब पहला ब्रेक लिया है और अब बस 1 घंटा और लेगा अभी पहुँचने में, लेकिन देखते हैं धीरे निकलते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या होता है। जी जी भी फुल रेडी है, भाई साहब भी रेडी, ज़्यादा लंबा हो गया है और अभी भी बाकी है, और भाई साहब भी मेरे पहुँचने वाले को ज़्यादा टाइम किया, भूख भी लग चुकी है, प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बाकी ठीक है। चलो ठीक है, अमित को थोड़ी प्रॉब्लम है बाकी सब ठीक है, बाकी तो ठीक है। चलो पहुँचते हैं और फिर आगे आपको बताते क्या क्या करना है। मित्रों पहुंच चुके हैं फाइनली 9 बजे चंडीगढ़, एंड बस मेरे यहाँ से घूमने का टाइम तो होगा नहीं, जाते हैं एंड फ्रूट्स एंड कुछ स्वीट्स ले रहे हैं, उसके बाद घर पे जाएंगे एंड सुबह जाएंगे घूमने को। तो मित्रों रात को 1 बजे सोए हम एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया था रात को, खाना पीना खा के एंड सुबह अभी नाश्ता वाश्ता करके वहाँ आ गए हैं यहाँ पे चंडीगढ़ के एक छोटे से फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल खेलने के लिए, फुटबॉल रेडी है एंड टीम भी रेडी है, थोड़ा सा करते हैं किक एंड आपको दिखाता हूँ कैसे आएगा मज़ा। तो बस फिर करते हैं शुरू जल्दी से, बाकी टीम मेंबर्स को लेके आते हैं, थोड़ा फुटबॉल खेलेंगे और उसके बाद जाएंगे हम दोबारा से कहीं और जो जाना है हमें, भाई को कुछ काम है यार, भाई का जो काम है वो हो जाए उसके बाद फिर घर भी जाना है यार, चंडीगढ़ तो बहुत घूम लिए बाकी देखते हैं। तो गाइस कर दिया हमने अपना गेम शुरू एंड जीजी और अमित चले गए गेम स्टार्ट करने के लिए, बॉल पास करेंगे नहीं वैसे, जीजी कम ऑन यस, ओह सॉरी सॉरी ये अमित ये। तो गाइस मैं पास वास कुछ देता नहीं, मैं तो गोल करूंगा सीधा और ये बॉल आगे मेरी है, ओह ये गाइस यार बॉल चीटिंग है यार, मैं जा रहा हूँ गोल के बॉल के साथ साथ, अरे इस साइड तो मेरा गोल ही नहीं है, अभी देखो बॉल अरे मैंने किक कर दी और जीजी के पास गई बॉल, जीजी कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यार बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, थोड़ा देर खेला है लेकिन यार टाइम थोड़ा कम था एक्चुअली, अब जो हम लगाने वाले हैं ना इस गेम में आग, जी जी कैसा लगा कुछ नहीं बता, बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं था इसलिए हमें जीतने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हो, आसानी हुई क्योंकि यार मैंने जी जी को बहुत देर हरा दिया था बहुत ज़्यादा लेकिन चलो ठीक है गाड़ी रेडी है और अब निकलना पड़ेगा हमें कहीं और जाना है। तो गाइस थोड़ा सा वार्म अप तो हो गया है, बाकी यार देखते हैं कितनी देर में वापस आते हैं खेलने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ओपोनेंट से पहले भाई साहब ने तो वहीं पर ही मैदान में हाथ खड़े कर दिए, भाई साहब तो आए ही नहीं गेम में, भाई साहब ने बोला यार दो बहुत खतरनाक प्लेयर खेल रहे हैं एंड भाई साहब काम में हम जरा बिजी थे, ये लोग मिले हैं क्या बोल रहे काट रहे वो 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 भाई सी रखपुर की वीआईपी रोड पे आ गया, हम जाने वाले कुछ स्पेशल सा खाने, अब देखते हैं भाई साहब हमें क्या खिलाते हैं एंड कुछ अच्छा ही खिलाएंगे है ना भाई, जो मैंने वो अपना यार तो क्या खाना है बस चलो चलते हैं, जो तू बोलेगा वो मैं खाऊंगा ठीक है।
इसके कपड़े यार जल्दी देखना है कैसे लगेंगे। Oh my God! Wow! सही देंगे चलो ठीक है यार चलो अंदर देखते हैं क्या क्या मिलता है और क्या क्या हम खाएंगे यहाँ पे। बाकी आपको वीआईपी रोड दिखाऊंगा बाहर आके। जी वो लीची जो आपने खाई थी वो कौन सी वाली थी बता दो यार। वो मुझे टेस्ट वाइज और साइज वाइज लग रहा था वो पठानकोट की गोला लीची जैसे कहते हैं। अमित को चंडीगढ़ इतना पसंद आया अमित जाने को तैयार नहीं है। अमित को बड़ी मुश्किल से ले जा रहे हैं हम लोग। चलो कोई बात नहीं किसी नहीं जाना चाहता कल जाएंगे कल। सो गाइस चंडीगढ़ की वीआईपी रोड एंड वीआईपी मार्केट को हम घूम के आ गए एंड हम आ गए हम घर पे एंड घर पे होने वाला है बहुत ही ज्यादा एक अच्छा सा सेशन क्योंकि राहुल भैया की डांस परफॉर्मेंस से हमें आज कुछ अलग फील करवाएंगे। तो गाइस लेट्स स्टार्ट एंड जी जी भी हमारे साथ हमारे सिंगर जो देखा तूने आंखें जो तेरी देखी किसी खूबसूरत परी जैसी होगी मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। उड़ता हूँ से सोचता हूँ से दिल मेरा कह रहा सारे फासले मिटाना। ओ ओ जान जाना तूने तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आज जाने जाना ये तूने तुझे दीवाना ये सपनों में रोज आए आज जिंदगी में आना सनम।